हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर, दिस इज द अमरेश JEE 12 ऑफ अमरेश हर्ष एकेडमी। यू नो बैच इज द प्रज्ञान, यूनिट इज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू नो दिस इज द HPP 1। HPP 1 का मतलब क्या हो गया? हर्ष प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 1। हम लोगों ने सारा थ्योरी फिनिश कर लिया है, उसमें भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है, लेकिन अब हम लोग एक डेडिकेटेड जो है न्यूमेरिकल करेंगे, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पर। माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष। टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था बेटा? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यस और नो? ठीक है, मैंने कहा था ई जो है एक पोजीशन डिपेंडेंट एलिमेंट होता है, इसलिए वेक्टर ऑफ ई विच इज द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ आर अपॉन क्यू नॉट। कहीं पे अगर क्यू टेस्ट चार्ज, क्यू जो है सोर्स चार्ज दे रखा है, कैपिटल क्यू, ठीक है, तब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। डायपोल किसको कहते हैं? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, जब टू ए डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो इस सेटअप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है? पी इसको डिनोट करते हैं, क्यू इंटू टू ए। सो यू नो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, याद होगा आप लोगों को, अगर यहाँ पे आपके पास एक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन टू ए, मुझे रेंडम किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? ई इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² θ+1, यस और नो? टेन अल्फा इसका डायरेक्शन होता है, हाफ टेन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या 180 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इसको हम लोग, मैं शॉर्ट में कैसे बोलता हूँ पता है? ई एक्सियल। ई एक्सियल इक्वल टू 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अगर मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर है मीडियम में, तो एप्सिलॉन में एयर या वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। तो लेकिन जब मैं पूछूं ना कि ई एक्सियल का फॉर्मूला बताइए, तो मोस्टली आप ये फॉर्मूला बताना, 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा है कि अगर ये किसी मीडियम में होता तब कौन सा फॉर्मूला होता? मतलब दोनों चार्ज को आपने वाटर में रखा हुआ है या ग्लास के अंदर रखा हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तब ये वाला फॉर्मूला, ई एक्सियल इक्वल टू 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, वेयर ई इज द डायरेक्शन ऑफ, ई इज द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यस और नो? ये ई की डायरेक्शन, और पी की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की कन्वेंशनली माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, तो यहां डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द पी है, मतलब ई पैरेलल टू पी, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, मतलब अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो क्या फॉर्मूला होगा? इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, यू नो, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर मीडियम में निकालना हो इसे, तो इक्वेटोरियल इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू द माइनस पी, मतलब कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो डायपोल मोमेंट की उल्टी होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, इज द पैरेलल ऑफ माइनस वेक्टर ऑफ पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ड्यू टू चार्ज रिंग। अगर आपके पास एक चार्ज रिंग है, ऐसे प्लस 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 इस तरह से चार्ज आपने डाला है, और ये किसी एक्सिस पर, इसी के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? ई ड्यू टू रिंग इक्वल टू क्यू आर। आर क्या है? यहां से यहां डिस्टेंस। ए क्या है? इसकी रेडियस।
ठीक है, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। जब डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स उसमें जीरो होते हैं लेकिन रोटेशन उसमें होता है, रोटेशन होता है मतलब टॉर्क होती है। तो वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ पी क्रॉस ई इज इक्वल टू पीई साइन थीटा एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा। पी इज द डायपोल मोमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा इज द एंगल। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रख दिया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं और वो वर्क डन के इक्वल होता है कि अगर रोटेट होने में कितना वर्क लग रहा है। तो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन जूल। वेन थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पहले मान लो वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर में ये डायपोल रखा है, तो थीटा वन क्या है 90। अगर ये रोटेट कर जाता है थीटा एंगल से, मतलब कहने का मतलब पहला एंगल थीटा वन 90 डिग्री है और थीटा टू क्या है थीटा है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यू नो फॉर्मूला यू इज इक्वल टू, यू नो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। पूछो क्यों, देखो थीटा वन की जगह 90 तो कॉस 90 जीरो हो गया, थीटा टू की जगह थीटा तो क्या लिखोगे माइनस पी कॉस थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ऑफ पी डॉट ई। मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट फील करता है, मतलब पी क्रॉस ई होता है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो माइनस यू माइनस वेक्टर ऑफ पी डॉट वेक्टर ऑफ ई। नाउ व्हेन डायपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि दोनों का देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम सेम नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उस समय में किसी डायपोल पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो मैंने फॉर्मूला डराइव भी किया था, लेक्चर थर्ड देख लीजिएगा। तो यू नो पी इंटू डीई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर आपके पास एक चार्ज रिंग है, ठीक है, और चार्ज रिंग मतलब ऐसा है चार्ज सेमी सर्कल है, ठीक है सेमी सर्कल है, यहाँ पे चार्ज रिंग का मतलब है कि चार्ज यहाँ पे सेमी सर्कल अगर आपके पास है तो सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जबकि इस पे चार्ज प्लस 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 इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हमने प्रूफ भी किया था। अगर एक आर्क है, आर्क मतलब यहां से यहां इस तरह से, अब तुम कहोगे सर आर्क कितने डिग्री का है, ठीक है कैसा है, क्वाड्रेंट है या नॉन क्वाड्रेंट है, ये जो डेरिवेशन हमने क्वाड्रेंट के लिए निकाला है, मतलब ऐसा 90 डिग्री यहां से यहां तक, ऐसा ये 0 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा अपॉन 2√2 πε₀ आर। ई फाइनाइट चार्ज वायर, अगर एक वायर है जिसकी चार्ज मतलब लेंथ जो है वो क्या फाइनाइट है फिक्स्ड है, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 2k λ/r इज इक्वल टू λ/2 πε₀ आर। अगर एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, मतलब ये प्लस 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 चार्ज इस तरह से दिया हुआ और इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट के लिए मैंने ऐसे डॉट 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 बनाया हुआ था याद होगा, ठीक है, तब इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, σ/2 ε₀। तो मोटे मोटे जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सारे हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, इन्हीं सब फॉर्मूला का भी यूज होना है आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ फ्री पिथ बॉल ऑफ मास 6 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1/3 × 10⁻¹⁷ कूलम। देखो पहले मेरी बात समझना, जिस बच्चे को न्यूमेरिकल डायरेक्ट एक बार में पढ़ के समझ में आ जाता है वो तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर लोगे, जिसको एक बार में नहीं पढ़ के समझ में आता है उसको क्या करना चाहिए, लिस्टिंग करना चाहिए और कन्फिगर करना चाहिए। मेरा एक वर्ड होता है कन्फिगर, कन्फिगर कीजिए और लिस्टिंग कर दीजिए, लेकिन मैं लिस्टिंग मेथड को अच्छा नहीं मानता। लिस्टिंग का मतलब क्या है, जो जो दिया है उसको लिख लो, जो निकालना है वो लिख लो और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा कर देता हूं लेकिन आगे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना, कोशिश कीजिए कि वन टाइम में पढ़ के ही सॉल्व करने का तरीका सीखें। अब फ्री पिथ बॉल ऑफ मास 6 ग्राम, देखो ये फ्री पिथ बॉल है, इसका मास कितना है 6 ग्राम है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज 1/3 × 10⁻¹ कूलम, ठीक है। व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज
दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड बाय 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल, मतलब ये पिथ बॉल के नीचे यहां पे एक दूसरा पिथ बॉल रखना है, और यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पे चार्ज मान लो Q1 था, तो इस पे मान लो चार्ज Q2 था, ठीक है। अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी, मतलब ऊपर वाला बॉल जो है रुका रहे, जैसे हवा में टंगा रहे, ठीक है, जब तुम नीचे एक बॉल रखोगे और उस पर चार्ज दोगे। कहता है उसका चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मतलब Q2 क्या होगी, और उसका डायरेक्शन मतलब नेचर कैसा होगा, ये सब सारी बात है। लॉजिकली सीखना बेटा, हवा में अगर मैं इस तरह से चार्ज रख देता हूँ या पेन रख देता हूँ, क्या वो स्टेबल रहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो इसको अगर स्टेबल रखना है तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना वेट नीचे लग रहा है उससे उसी के इक्वल एक अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तुमको कहे सर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहली बात देखिए, अगर यहाँ Q2 चार्ज है, ऊपर Q1 है, तो दोनों में मतलब अगर Q2 पे नेगेटिव रख दोगे तो ऊपर वाले बॉल को तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, नेगेटिव तो नहीं रख सकते, पॉजिटिव रख दो तो प्लस प्लस रिपल्सन होगा, मतलब ऊपर वाले बॉल को नीचे गिरने नहीं देगा। तो कहने का मतलब इस पिथ बॉल पर अगर इधर की तरफ वेट mg काम कर रहा है, तो इस पिथ बॉल के कारण ऊपर के साइड में क्या करना चाहिए, फोर्स काम करना चाहिए, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी स्टेशनरी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नीचे के तरफ जो वेट लगेगा, ऊपर के तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, यस और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r² इज इक्वल टू m × g। यही मेन फॉर्मूला जो है ये यूज हुआ, यही कॉन्सेप्ट है, यही से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, फुट करते जाएंगे, देखो आता चला जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है जी, वही तो कैलकुलेट करना है। आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो 5 × 10⁻²² मास कितना है, 6 ग्राम, उसको केजी में चेंज कर दो, 6 × हमेशा सबको SI में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यू नो यू 6 × 10⁻³, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, Q2 निकालना है। सो नाउ Q2 इज इक्वल टू, Q2 निकालना है तो इसको अगली साइड ले जाइए, तो 6 × 10⁻³ × 9.8 × 5² 25 × 10⁴ / 9 × 10⁹। देखो 3 से 9 को कट कर दीजिए, क्या हो गया 3, ठीक है, और 10⁹ - 7 तो 10⁻² तो क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻² यस और नो? ऑब्वियसली यस। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 10 3 है, 3 से 6 को कट कर दिए, क्या हो गया 2, ठीक है। 2 × 25 कितना हो गया, 50, 50 × 9.8, ठीक है, 9.8 × 50 बिकम 4.9.8 × 50, तो 8 5 जा 44, 9 5 जा 45 + 49, ठीक है, 0, तो 490 होगा, तो 490 × ठीक है 10⁻³ - 4 -7, और +2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, -5 कूलम। इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में रखिए, तो 4.90 × 10⁻⁷, ठीक है, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट अब लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब -2 हो जाता है ना। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.90 × 10⁻⁷ कूलम आंसर, क्लियर है? नेक्स्ट, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज, यू नो 6 माइक्रो कूलम। देखो ये बॉल है, स्फीयर है, उस पर मास कितना है, 1 ग्राम, चार्ज कितना है, 6 माइक्रो कूलम। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, इसको एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया गया है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
ऑफ 400 नैनो कूलम, 400 न्यूटन पर कूलम, सॉरी, एक्टिंग डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, कहता है इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, पहले ये क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड बार पूछा क्या इसने, व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर वर -6 माइक्रो कूलम, अगर इस चार्ज पे +6 के बदले -6 माइक्रो कूलम है, उस समय में कितना वहां पे टेंशन होगा। देखो m इज इक्वल टू 1 ग्राम 10 टू द पावर -3 kg मैंने लिख दिया है, q इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम माने 6 × 10 टू द पावर -6 कूलम, e इक्वल टू 409 न्यूटन पर कूलम, डाउनवर्ड काम कर रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, वेट इसका नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे है तो फोर्स भी नीचे होगा। तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो t इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डाउन प्लस m इनटू g, यस और नो। Fe इज इक्वल टू यू नो क्यू प्लस m इंटू जी, यू नो क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 टू द पावर -6, E इज इक्वल टू 400, यस और नो। m कितना है, मास कितना है, 10 टू द पावर -3, g की वैल्यू क्या है, 9.8, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, 1.22 × 10 टू द पावर -2 न्यूटन आंसर, ठीक है। ये टेंशन कब हो गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, माने 6 + 6 माइक्रोकूलम चार्ज उस पे है। अब अगर -6 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे रख दें, इस पर कितना चार्ज रख देते हैं, -6 माइक्रोकूलम, ऊपर देखो टेंशन टी होगा, नीचे तो इसका वेट एम जी काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, वेन क्यू इज इक्वल टू -6 माइक्रोकूलम, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा, मतलब फोर्स माइनस की वजह से फोर्स क्या होगा, अब ऊपर की तरफ होने लगेगा, यस और नो। तो टेंशन भी ऊपर, एफ ई भी ऊपर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी प्लस एफ ई इज इक्वल टू एम जी, यस और नो। सो यू कैन से दैट टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ ई, एम कितना है, मास इज इक्वल टू यूरो 10 टू द पावर -3 kg, जी की वैल्यू 9.8, माइनस एफ ई इज इक्वल टू यू नो क्यू इंटू ई, तो 6 × 10 टू द पावर -6 × 400, यस और नो, 9.8 × 10 टू द पावर -3 × सॉरी -6 × 4 = 24 × 10 टू द पावर -6 और -6 और +2 बिकम -4। तुमको सर इसके कैलकुलेशन में मैं सॉल्व कैसे करूं, इसमें तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, यहाँ पावर -3 है या -4 है, इसको सॉल्व करने में ना बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये -3 है, अब इसको -4 बनाने की कोशिश करो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 98 × 10 टू द पावर -4 -24 × 10 टू द पावर -4। अब देखो बेटा 10 टू द पावर -4 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 98, यहाँ क्या बचा 24, 98 − 24 कितना हो गया 74 × 10 टू द पावर -4 न्यूटन आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना था, 1.22 × 10 टू द पावर -2 न्यूटन, जब प्लस चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, जब माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाती है, उस समय में टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, 74 × 10 टू द पावर -4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। देखो यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज है या -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों के बीच में 5 मिलीमीटर फोर्स डिस्टेंस है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए नंबर अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर। मतलब यहां हमें पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये ना पूछा जा रहा है, यस। सेकेंड नंबर बी नंबर, अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। मतलब यहाँ क्यू पर निकालना है, यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको कुछ पता चल रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस टू ए है, मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, मैंने एक्सियल हो गया, मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, मैंने इक्वेटोरियल हो गया, यस और नो। तो मैं डायरेक्ट एक बार में लिख देता हूं, ठीक है।
जब हमारा पी पॉइंट पर निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा जी, एक्सियल का लग जाएगा। एक्सियल का क्या फॉर्मूला होता है, 2P/4π εr³, यस और नो। अब इस सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 × P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q × 2A, यस और नो। क्यू कितना है, ठीक है, चार्ज कितना है, 10 μC, यू नो 10 × 10⁻¹⁹, ठीक है। 2A डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 5 mm, तो 5 mm को कैसे लिखोगे, 5 × जस्ट ए मिनट -6 ना, 10 × 10⁻¹⁹। अब देखिए फिर से, मैं वंस मोर फिर से ध्यान देना बेटा, मैं थोड़ा इसको ना अच्छे से एक्यूरेट कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया। 2 को पहले लिख लिया, P इज इक्वल टू क्या होता है, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q × 2A। क्यू कितना है, चार्ज कितना है, 10 μC, तो 10 × 10⁻¹⁹, ठीक है। डिस्टेंस 2A कितना है, 5 mm, तो 5 × 10⁻³ m, ठीक है। 4π εr², अभी मैं लिख देता हूँ इसको, बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, × r³। ये डिस्टेंस कितना है, 15 cm, तो क्या लिखेंगे, 15 × 10⁻²² मैं वंस मोर फिर से लिख रहा हूँ, 1/4π εr की वैल्यू क्या हो गई, 9 × 10⁻¹, ठीक है, × 2 × 10 × 10⁻⁶ बिकम 10⁻⁵, × 5 × 10⁻³ अपॉन 15² 225, यस और नो, × 10⁻⁴, ठीक है। और फॉर्मूला क्यूब होता है ना, सॉरी, तो 15 × 15 × 15 लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, 15 × 15 × 15 × 10⁻⁶, यस। फिर से देख रहा हूँ वंस मोर, ई एक्सियल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2P/4π εr³, ठीक है, सबकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तब वैल्यू कितनी आएगी मालूम है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने सॉल्व करके सब रखा हुआ है, ठीक है। यू नो आंसर इज 2.67 × 10⁵ N/C अलोंग बी से पी की तरफ। आंसर ए पार्ट क्लियर है, बी पार्ट हमें निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन, मतलब इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, P = 4π εr³। तुम कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला बार बार क्यों लगा रहे हैं, अरे ऑलरेडी क्या है, आर इज यू नो आर इज टू ग्रेटर देन ए, डायपोल मोमेंट से बहुत ज्यादा आर की वैल्यू होती है और दिख भी रही है, कहाँ है देखो, 5 mm 2A की डिस्टेंस है, ए की डिस्टेंस 2.5 mm है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 5 cm, 15 cm है, बहुत ज्यादा है इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जब भी लेंगे शॉर्ट डायपोल का ही कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा है कि सर इतना बड़ा सॉल्व क्यों करें, एक फॉर्मूला हम लोग के पास ये भी तो है, हाफ ई एक्सियल, क्योंकि ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है, ठीक है, 2, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं हाफ ऑफ ई एक्सियल, तो यू नो हाफ ऑफ ई एक्सियल का क्या फॉर्मूला आया था, वैल्यू आया था 2.67 × 10⁵, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 1.3, ठीक है, 3 × 10⁵ N/C। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली इधर की तरफ होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखो +10 μC है, -10 μC है, तो E2 इज अलोंग टू द पैरेलल ऑफ BA, यस और नो, अलोंग टू पैरेलल ऑफ BA, ठीक है, BA के पैरेलल ये होगा। नेक्स्ट, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg एंड कैरिंग अ चार्ज 2 × 10⁻¹⁹ इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ V/m। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। देखो ये सपोज करो ये पेंडुलम है इस तरह से, तो नीचे वेट काम करेगा, इधर एक फोर्स काम करेगा, देखो ये फोर्स F=QE, नीचे वेट mg, थ्रेड में टेंशन T, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, T cos थीटा,
ठीक है, अगर ये टी है और ये हम लोग यहां निकाल रहे हैं, तो इस कंपोनेंट में क्या हो गया, टी कॉस थीटा, ये क्या हो गया, टी साइन थीटा, इधर क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा। अब दोनों को बैलेंस कर दीजिए तो क्या लिखोगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी, जब ये इक्विलिब्रियम में है तब। और ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये पेंडुलम मूव कर रहा है तो किसी एक इंस्टेंट में इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बच्चे को ने बहुत बार ये गलतियां करते देखा है मैंने कि बोलते हैं सर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो, अरे इंस्टेंटली वो इक्विलिब्रियम में है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, टी और टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई अपॉन एम जी, यस और नो, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। क्यू कितना है, चार्ज कितना दे रखा है, देखो टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट, ई इज यू नो टू इंटू टेन टू द पावर फोर, मास कितना दे रखा है 80 मिलीग्राम, मिलीग्राम को केजी में चेंज करो तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में, तो 10^-3 ग्राम को फिर केजी में, 10^-3, तो 10^ क्या हो गया -6, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। बहुत लेंथी कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो ये जब बहुत लेंथी कैलकुलेशन है तो इसको कर लीजिएगा घर में, और मैंने करके रखा है मेरे फर्स्ट कैलकुलेशन से, तो आप लोग बाकी पे है ना, ठीक है। आंसर इज 0.510, तो फास्ट कैलकुलेशन में करके रख देता हूँ पहले भाई, ठीक है। अब तुम कहोगे सर टेन थीटा इक्वल टू 0.5102 आया, तब क्या करेंगे, देखो अगर आगे दिया रहे, टेबल दिया रहे या वैल्यू दिया रहे कि टेन थीटा 0.5102 की वैल्यू क्या होगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.5102 की वैल्यू दिया रहे 27 डिग्री होगा तो लिख दोगे, नहीं दिया रहे तो फिर कि यहीं तक छोड़ दोगे। एक्चुअल में क्या होता है, पेपर में बहुत बार वो टेबल बना के वो लोग दे देते हैं, या आपके पास साइन नेचुरल नेचुरल लॉग और साइन एंटी लॉग और कोसाइन और टेंजेंट, इसका ग्राफ आप लोगों को टेबल मिलता है, उसमें देख के लिख लोगे कि 0.5102 की वैल्यू क्या होगी। तुमको सर आपने कैसे लिखा, अरे इतने बार सॉल्व कराया है ना कि याद हो जाता है भाई, इसलिए मैंने लिख दिया 27 डिग्री। अब तुमको सर टेंशन पूछा गया है, थीटा तो निकल गया, टेंशन तो किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैंने सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया सपोज करो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई अपॉन साइन थीटा। तुम चाहो तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, क्यू की वैल्यू कितनी थी 2 × 10⁻¹, ई की वैल्यू कितनी थी 2 × 10⁴ साइन 27 डिग्री, फिर आपको साइन 27 की वैल्यू देखनी पड़ेगी टेबल से, वो देख लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर मैं लिख देता हूं 8.8 × 10⁻⁴ न्यूटन, क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सिंपल पेंडुलम हैज अ लेंथ एल एंड द मास ऑफ द बॉब इज एम, ठीक है, देखो ये एक लेंथ एल है और ये इसका मास कितना है एम, उसको बॉब कहते हैं, ठीक है। द बॉब इज गिवन अ चार्ज क्यू कूलम, द पेंडुलम इज सस्पेंडेड बिटवीन द वर्टिकल प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल कैपेसिटर, मतलब ये दो मतलब चार्ज पैरेलल कैपेसिटर है, मतलब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इसके बीच में हमने पेंडुलम रख दिया है, ठीक है। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ऐसा, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, कहता है इसमें टाइम पीरियड क्या होगी, देखो प्लस है तो ऑलरेडी प्लस प्लस रिपल्सन होगा, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो मूव करेगा, तो टाइम पीरियड कितनी होगी, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, टी इक्वल टू 2π√L/g, यस और नो। अब अगर यहां पे ये फोर्स लग रहा है, इधर से इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, यस और नो, और फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है क्यू ई, ठीक है। अब दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे, क्यों भाई, क्योंकि जब आप वर्टिकल इस तरह से रखे हुए हो, इस पे क्यू चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा,
ठीक है, इसमें मास है, इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, तो इसमें फोर्स एफ इक्वल एम ए होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए एंड फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई अपॉन एम। यहां तक समझा या नहीं समझा, यस और नो? ऑब्वियसली यस। फिर से वंस मोर देखो बेटा, ये आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में आपने उसको रखा है, और इस पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस रिपल्सन, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, जैसे यहाँ गया फिर क्या होगा, वेट की वजह से क्या करेगा, पेंडुलम इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको रोटेट नहीं ऑसिलेट बोलते हैं, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, एम ए, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई अपॉन एम, यस और नो? आप समझना मेरी बात, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ये भी तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, ये भी एक तरह का एक्सिलरेशन होती है, और एक्सिलरेशन इधर होता है ये, तो इसका इफेक्टिव एक्सिलरेशन क्या होगा, इधर इसको हम लोग जी डैश लेट कर ले, द एक्सिलरेशन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली, देन यू कैन से दैट इफेक्टिव एक्सिलरेशन जी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इफेक्टिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए और जी के बीच में, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्सीलरेशन कितना था, क्यू ई अपॉन एम, सबस्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्यू ई अपॉन एम होल स्क्वायर, यस और नो? अब हमने जी डैश निकाल लिया है, ठीक है, जो यहाँ पे टी इक्वल टू पाई बाय रूट एल बाय जी है, तो इसमें जी के जगह क्या लगेगा, जी डैश लगेगा ना, जी के जगह क्या लिखोगे, जी डैश लिखोगे, ठीक है, और एल क्या है, लेंथ एल ऑलरेडी वही रह जाएगा, तो जी डैश की जगह मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दू, तब फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम पीरियड का क्या, अभी अभी यहां मैं टी ही रख रहा हूं, ठीक है, आप कहीं कंफ्यूज हो ना हो जाओ, इसलिए देखिए अभी टाइम पीरियड इतना था, जब हम लोग डायपोल जब प्लस और माइनस चार्ज के बीच में नहीं रख रहे थे, जब आप रखने लगेंगे तब कितना होगा, सो नाउ टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश की जगह में पुट कर दीजिए, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा होगा जी, मतलब कौन से नंबर आप लिखोगे इसमें ऑप्शन में, देख लो जरा, ए नंबर है क्या, आंसर है नो, बी नंबर ना, सी भी नहीं, डी इज योर फाइनल आंसर, सो यू कैन से दैट डी इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर Having a charge distributed uniformly in its volume as shown in the figure. Figure तो दिया ही नहीं है, figure अपने से बना लीजिए। एक ये solid sphere है, इसमें सब में plus 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 इस तरह से charge distributed है। बहुत अच्छी बात। तुम कहोगे सर माइनस नहीं हो सकता, ले सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम वाइज फैला हुआ है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द एम्प्टी स्पेस इज बॉर्ड, और इसके बीच में हमने क्या किया, कट कर दिया, एम्प्टी स्पेस बना दिया, मैंने यहां से बीच में ऐसे ऐसे कट कर दिया, मैंने ये कट करके हटा दिया है, जब कट करके हटा दिया तो एम्प्टी स्पेस हो गया, एम्प्टी स्पेस हुआ या नहीं हुआ, ऑब्वियसली यस। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द एम्प्टी स्पेस क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस एम्प्टी स्पेस में जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो पहला आंसर है कि नॉन जीरो होगा जी, मैंने कहने का मतलब जीरो नहीं होगा, मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तुम पूछो सर कैसे, क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि जब आप उसको कट के हटा देंगे, काट के हटा लेंगे वहां से, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गए, उस स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इसलिए जीरो नहीं होगा। सेकेंड क्या है कि यूनिफॉर्म होगा, फिर तुम कहोगे सर यूनिफॉर्म क्यों, ठीक है, आपने कहा जीरो नहीं है, मैं मान लिया उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस है और चारों साइड वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है,
तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक साथ उधर से पास होते हुए जाएंगे, और जितना उसमें एंटर करेंगे उतना ही बाहर निकलेंगे, तो इसलिए आंसर इज यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन कौन सा हो गया जी, बी नंबर, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन, माइक्रोन में ना माइक्रोमीटर जो होता है, ठीक है, माइक्रो लिख दोगे, 1 माइक्रोन मैं लिख भी देता हूं, रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट इज 1 माइक्रोन, माइक्रोन माना माइक्रोमीटर माना 10^-6 मीटर, ठीक है। इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एपरेटस इज फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इजी है वो क्या है, यहां पे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वहां पे वो चार्ज जो है वो किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.1 × 10^4 न्यूटन पर कूलम। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट कैरी, कहते हैं कितना नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें है। टेक ई इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 कूलम, जी की वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। पहले सुनना मेरी बात, वाटर ड्रॉपलेट है ये रुका हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो रुका क्यों है, ठीक है, रुका इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो फोर्स लगा रहा है और जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर रहा है, तो जब बैलेंस कर रहा है तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, और वेट क्या होता है, एम जी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, क्योंकि देखो एन निकालना है इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया एन ई, और ई को कॉपी कर दो। अब तुम कहोगे सर मास तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, डेंसिटी दे रखा है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बचपन क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला आपने, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, 4/3 πr³, ठीक है, मास इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी रो आर इंटू जी, क्लियर है। अब यहां हमने सब कुछ लिख दिया है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन इज इक्वल टू 4π r³ ρg अपॉन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए, यस और नो, ऑब्वियसली यस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू नो 4/3 π का वैल्यू क्या होता है, 22/7, रेडियस कितना दे रखा है, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10^-6, इसका होल क्यूब कर दीजिए। डेंसिटी कितना दे रखा है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 10^3, ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10^-19, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितने दे रखी है, 5.1 × 10^4, ठीक है। सबको कैलकुलेट कर लीजिए और मेरे फास्ट कैलकुलेशन का यूज कीजिए, आंसर इज 5। कहने का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, 5 है जो उसको बैलेंस करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ यू अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट, बहुत इजी है। आपने क्या किया, क्यू चार्ज को फेंका है अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके अगेंस्ट में फेंका है, कहता है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर द रेस्ट। तो देखो जितना आपने उस पर वर्क किया, ठीक है, या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया उतना एनर्जी आपने लगाया, तो ऐसे थ्योरम को कौन सा थ्योरम कहते हैं, याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आई कैन से फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, मैं लिख देता हूं वर्क इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको याद कर लीजिएगा बेटा, मैं बच्चे से पूछता रहता हूं बार बार व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बच्चे को क्या बताना पड़ता है, सर डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जेई एडवांस के बच्चों के लिए बताता हूं, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होता है, अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एक्स्ट्रा बहुत सारे एनर्जी भी ऐड हो जाते हैं, यही याद रखना है आपको। यहां हम लोग उतना डीप नहीं जानेंगे क्योंकि उस तरह की बातें हैं नहीं, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जितना आप वर्क कर रहे हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो, यस और नो? फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। सो यू नो क्यू इन टू ई इन टू एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, यू नो। अब एस कैलकुलेट करना है, तो एस इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू ई। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है? तो बिफोर रेस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? एम यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू ई, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे आप लोगों को, ठीक है? याद है कि ई वन है, ई टू है, मैंने कराया था, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं। देखो, स्क्वायर में इस तरह से है, ए है, ये ए है, ये ए है, तो यहां से यहां क्या हो गया? ए बाय रूट टू, यस और नो? ए बाय रूट टू नहीं हुआ, ए रूट टू हुआ। अगर इसका यहां से यहां निकालेंगे, मतलब ओ से लेकर डी या ओ से ए निकालेंगे, तो क्या होगा? ए रूट टू बाय टू, मतलब ए बाय रूट टू, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है? इसलिए समझिएगा, मैं बार बार, अब मैं लिखूंगा नहीं इतना, बार बार बोलूंगा सिर्फ इसे। ये ए है, ये ए है, यहां से यहां ए, ये क्या हो गया? ए रूट टू, यहां से यहां ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू। आई कैन राइट हियर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू स्मॉल आर विच इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻²⁪ अपॉन रूट टू, ठीक है? अब देखो, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे −2 क्यू चार्ज है, ठीक है? तो माइनस क्यू जो है थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हुआ रेदर देन −2 क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर से इधर की तरफ काम करेगा, −Q से −2Q की तरफ जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू −2Q से −2Q की तरफ जाएगा। इसी तरह से E2 का देखो, ये 2Q है, +2Q और ये +Q, तो ऑब्वियसली +2Q ज्यादा पॉजिटिव है, तो उधर से उधर की तरफ जाएगा। देखो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जरा फिगर आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है? देखो E1 किधर लग रहा है, फिर से ध्यान दीजिए, इधर। E2 किधर लग रहा है? इधर, ठीक है? E1 और E2 का डायरेक्शन में ही पहले चेक करो, −Q है, −2Q है, कौन बड़ा है? तो −Q बड़ा है जी, तो −Q से −2Q की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। यहाँ पे +2Q और +Q, कौन बड़ा है? +2Q है, इधर जाएगा E2। अब दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तुमको वैसे चार्ज सेम कैसे? देखो ये +2Q है, +Q है, ये −Q है, −Q है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आर आर सबका डिस्टेंस है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4πε₀, दैट मीन्स 9 × 10⁹, ठीक है? चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 1Q ही हो रहा है इसमें, तो आई कैन से Q इज इक्वल टू 10⁻⁸ कूलम, 1.0 × लिखा है, तो मैं 1 को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यू नो 5 × 10⁻²⁶ अपॉन √2² इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 × 10⁹ और −8 become 1, ठीक है? √2² 2, तो ऊपर लेके चले जाइए। 5² 25 × 10⁻⁴, यस और नो? 9 × 2 = 18, 18 upon 25 × 10⁻⁴ को ऊपर लेके चले जाइए, +4, ठीक है? तो 180 upon 24 + 4 newton per coulomb, 180 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू यू नो 7.2 × 10⁴ newton per coulomb, ठीक है? दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू क्या होगा? √E1² + E2² और दोनों आपस में इक्वल है, तो 2√2E1, तो मतलब 7.2√2 × 10⁴ newton per coulomb। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ऑब्वियसली देखो ये 90 है, तो इसके बीच में हाफ में होगा, मतलब 45 डिग्री, मतलब ओ से ए की तरफ होगा, पैरेलल टू ओ ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अलोंग ओ ए, ठीक है, 45 डिग्री विद ओ ए, ठीक है? हाँ, 45 डिग्री अलोंग,
ऐसे लिखना ठीक है, अलोंग 45 डिग्री टू विद ओ, ऐसा अलोंग 45 डिग्री विद ओए, मैंने लिख दिया अलोंग ओए, ओए तो ये वाला हो गया ना, नहीं हमें ऐसे निकालना है, मतलब ओए से 45 डिग्री पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज Q1 इज इक्वल टू 6 नैनो कूलम, ये NC का मतलब क्या हुआ, नैनो कूलम, इज ऑन वाई एक्सिस, देखो ये वाई एक्सिस है ठीक है, ये वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पे बीच में ओरिजिन कहीं होगा, इधर एक्स एक्सिस हो, 6 नैनो कूलम इज ऑन वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहां पर Q1 दिया हुआ है, एंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू -6 नैनो कूलम इज ऑन वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, यहाँ पे Q2 दे रखा है जो नेगेटिव साइन का है। कैलकुलेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q0 इक्वल टू 2 नैनो कूलम प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ 4 है, यहां से यहाँ 3 है, यहां से यहाँ 3 है, और यहाँ पे निकालना है, मतलब -3 डिस्टेंस है, मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट है -3 और डिस्टेंस 3 है, और यहाँ पे कितना है बेटा Q0 चार्ज है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, अब इस पर हमें फोर्स निकालना है, देखो ये 3 है ये 4 है, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है, प्लस है, रिपल्सन इधर की तरफ जाएगा, यस और नो, ठीक है, तो अब फोर्स निकाल लीजिए, F1 इज इक्वल टू, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, F1, F1 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q0, ठीक है, ये तरीका है, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं क्या, ये भी कर सकते हैं, ये प्लस क्यू और ये भी 6 है, यहाँ देखो F1 इधर हो गया और इधर से इधर F2 इधर हो गया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, मतलब 2F1 cos थीटा, और इधर हो गया साइन थीटा, साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्यों इतना सॉल्व करते हैं, ये क्या इक्वेटोरियल लाइन की तरह का बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q0 इंटू इक्वेटोरियल, टाइम बच जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए Q0 की वैल्यू कितना है बेटा 2 नैनो कूलम, मतलब 2 × 10⁻⁹ कूलम, इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला होता है, P/4πε₀, P/4πε₀r³, तो 2 × 10⁻⁹ कूलम, पी इक्वल टू Q × 2a, क्यू कितना है 6 नैनो कूलम, तो 6 × 10⁻⁶, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 + 3, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10⁻², अपॉन ठीक है, और 1/4πε₀, तो 9 × 10⁹, अपॉन आर, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है 4, तो 4³, पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ, दिस इज द 51.8 ठीक है माइक्रोन्यूटन, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस जे कैप, तो योर आंसर इज -51.8 जे कैप माइक्रोन्यूटन। नेक्स्ट, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0, 0, -2, ठीक है ये ए पॉइंट है, एंड बी इज द 0, 0, 2, ठीक है यू नो रिस्पेक्टिवली, हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम P400 टू -500, माना देखो यहां पे प्लस क्यू है, ऊपर में माइनस क्यू है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस, माना इधर से इधर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन समझना, तो वर्क डन इज इक्वल टू, हाउ मच वर्क बोला, वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है क्यूई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डीएस कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, अब पूछो क्यों, देखो ऑलरेडी ये प्लस है ये माइनस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, और आप ला किधर रहे हो, चार्ज को इधर से इधर ला रहे हो, आप ला इधर रहे हो और ये इधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है 90 डिग्री, बना कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो योर आंसर इज 0, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू नो अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी
8.6 ग्राम पर सीसी एक कॉपर बॉल है जिसकी डेंजिटी कितनी है जी, 8.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं, रोवन इज इक्वल टू 8.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको इसमें चेंज कर लिए, केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, तो 8.6 इंटू 1000 मतलब 8600 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंजिटी ऑफ कॉपर बॉल हो गया। मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, डेंजिटी ऑफ कॉपर बॉल। रेडियस ऑफ बॉल क्या होगा, देखिए रेडियस ऑफ बॉल दिया हुआ है आर इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर 1 सेंटीमीटर है तो हाफ सेंटीमीटर हो गया। हाफ माना 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 10^-2 मीटर। नाउ डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल रो टू इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या हो गया, 800 केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉल, मतलब क्यू इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 3600 वोल्ट पर मीटर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले समझना अच्छा से। एफ इक्वल टू क्यू, ठीक है, वेट इसका नीचे गिरेगा लगेगा, तो क्या करेगा, नीचे से एक तरह से थ्रस्ट लगेगा उसको, ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा, यस और नो। तो यहां पे एफ इक्वल टू क्यू जो है वो किसको बैलेंस करेगा, आप अपेरेंट वेट को बैलेंस करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू विच इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट यहां तक समझ में आया नहीं आया, अब अपेरेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट, यस और नो, क्लास 11th में पढ़ा था आपने, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, वेट इसका नीचे एमजी काम कर रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ना अपेरेंट वेट होगा जी। ठीक है, तो यू नो एफ इज इक्वल टू क्यू मैंने लिख दिया। अब तुमको सर एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट क्या लिखेंगे, एक्चुअल वेट मतलब मास इंटू ग्रेविटी, मास तो दिया नहीं है, अच्छा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो हो सकता है, तो लिख देते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो वन और इंटू जी। अब थ्रस्ट क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा, तो उसके वॉल्यूम क्या हो गए, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो टू इंटू जी, यस और नो, कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज कॉमन, रो वन माइनस रो टू। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, क्यूई का फॉर्मूला है, तो क्यू चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, 4πr³g अपॉन इंटू रो वन माइनस रो टू अपॉन 3 इंटू ई। ठीक है, सबकी वैल्यू को सब स्टिच्यूट कर दीजिए, 4/3 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर क्यूब, आर कितना है हाफ सेंटीमीटर, मतलब 0.5 इंटू 10^-2 होल क्यूब। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8, रो वन की वैल्यू 8600, रो टू की वैल्यू 800, यस और नो, तो 8600 - 800, ठीक है, अपॉन ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 3600। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, मेरा फर्स्ट कैलकुलेशन कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी जी, 1.1 इंटू 10^-5 कूलम्ब आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ -4 μC एंड +4 μC आर प्लेस एट द पॉइंट ए एंड बी लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर काम कर रहा है, एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, तुमको सर कैसे पता चला, ये आई कैप है ना, ये ए पॉइंट आपके पास है, ये बी पॉइंट है, यहाँ -4 μC चार्ज है, ये +4 μC चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 104, इसका कोऑर्डिनेट 2, -1, 4। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, हमें टॉर्क निकालना है, देखो ए और बी दिया हुआ है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पहले ये देखिए, टाउ इज इक्वल टू वैक्टर ऑफ पी क्रॉस वैक्टर ऑफ ई,
इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू ए क्रॉस ई, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 माइक्रो कूलम, तो 4 × 10⁻⁶। अब टू ए मतलब कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो टू ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ऑफ ए बी, यस और नो। अब इन दोनों का पोजिशन वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दोनों को माइनस करो, 2 - 1 क्या हो गया, 2 - 1 i कैप प्लस -1 - 0 j कैप प्लस 4 - 5 k कैप, यस और नो। 2 - 1 कितना होता है, 1 मतलब i कैप, यस और नो। माइनस j कैप और एज वेल एज यू नो हियर इट इज द 4 - 5, ये ना i कैप माइनस j कैप माइनस के कैप, आंसर यू नो आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस 4 सॉरी 5 - 4 मतलब प्लस के कैप, यू नो। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2.020 i कैप। अब ये आई कैप है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। देखो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, ठीक है सॉरी जे क्रॉस आई के, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ पे है, तो इसको कैसे करेंगे पहले समझो अच्छा से। 4 × 2 बिकम 8 × 10⁻⁵, ठीक है। समझना वंस मोर, आई क्रॉस आई क्या हो गया, 0। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है ना, आई है ये जे है ये के है, आई क्रॉस आई 0, ठीक है। जे क्रॉस आई मतलब उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो जे क्रॉस आई इक्वल टू के और माइनस माइनस प्लस मतलब के कैप, ठीक है। अब के क्रॉस आई देखो, के क्रॉस आई जे यू नो वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁵ के कैप प्लस जे कैप, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब अगर मैग्नीट्यूड इसका निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁵ अंडर रूट, के का यूनिट वेक्टर क्या है, 1, तो 1 स्क्वायर, जे का 1, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 2 का रूट अंडर 2, ठीक है। तो 8√2 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डज अ चार्ज सर्कुलर लूप बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर ये आपके पास चार्ज लूप है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की तरह कब ट्रीट करता है, जब आर की वैल्यू 2a से बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वेन ऑब्जर्वर पॉइंट इज फार अवे टू द लूप, जब लूप से बहुत दूर में रहता है तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू Q/4πε₀r² होता है। नेक्स्ट, फोर चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ऑपोजिट साइड 0.1 मीटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। 0 भाई, क्योंकि प्लस है तो इधर ये प्लस है, इसकी वजह से इधर, इस प्लस की वजह से इधर, इसकी प्लस की वजह मतलब बैलेंस हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 0। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी, फोर्स की भी वैल्यू 0 नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी, सॉरी ये लिखना ठीक नहीं है, फोर्स जब 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, टॉर्क 0 नहीं होगा और फोर्स भी 0 नहीं होगा। इन विच ओरिएंटेशन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज स्टेबल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। पूछिए क्यों, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, -P cos θ, ठीक है, पता लग जाएगा कि कब स्टेबल है कब स्टेबल नहीं है। टॉर्क से भी कर सकते हैं, ठीक है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, P sin θ, साइन 0 पर क्या होता है, 0, साइन 180 पे 0, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया थीटा इक्वल टू 0 और 180, ठीक है।
और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो रुक जाओ, जीरो पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और थीटा इज इक्वल 180 पर वो अनस्टेबल होता है। ये आंसर सही है। पूछो क्यों? अगर थीटा इक्वल जीरो है तो मतलब उसी डायरेक्शन में वो पड़े रहना चाहता है, 180 है तो वो रोटेट करना चाहता है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो सिग्निफाई? ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चों से मैं पूछता हूँ कि Q1 प्लस Q2 अगर जीरो है तो क्या हो सकता है। बहुत बार मैं ऐसे भी पूछता था क्लास 11th में, अगर F1 प्लस F2 जीरो है तो तुम क्या कहना चाहते हो? भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, F1 और F2 दोनों आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूडली इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। फिर मैं बोलता था कि F1 प्लस F2 अगर इक्वल नहीं है तब आपको क्या कहना है, ऐसा पूछता था, याद होगा आप लोगों को? आप लोगों को तो नहीं पता, मैं पूछता हूं बच्चों को इस तरह। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? देखिए Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे Q2 चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 क्या होगा? नेगेटिव होगा, और दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब इक्वल और अपोजिट चार्ज है और दोनों के बीच कुछ सेपरेशन होगा तो ये क्या शो कर रहा है? ये डायपोल शो कर रहा है। तुमको सर मैं लिखूंगा एक्चुअल आंसर क्या लिखूंगा? एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए कि ये डायपोल की तरह ट्रीट कर रहा है अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। अगर सेपरेशन नहीं है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और सेपरेशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेपरेशन ना हो, तो फाइनल आंसर इज ये डायपोल की तरह ट्रीट कर रहा है। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q(2A), यस और नो? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, इज इट स्केलर और वेक्टर? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्लियर है? सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स एंड गॉस लॉ, जिसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो आज हम लोगों का, आज तक हम लोगों के दो चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस फिनिश हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।